और नॉर्मन फ्लेचर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये किस तरह का अल्कोहल है, तो एच ग्रुप इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से दो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है ना, दो कार्बन अटैच है। तो इस क्योंकि इस ये फंक्शनल कार्बन ये है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है और ये दोनों कार्बन अटैच है डायरेक्टली इससे, ये वाला भी और ये वाला भी, लेकिन नहीं तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। ये जो है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। अब IUPAC नेम देखेंगे तो इधर से OH ग्रुप नज़दीक है इस एंड से, इधर से इधर से हम काउंटिंग करेंगे, ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा है ना, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप है और 3 पर मिथाइल ग्रुप है, 3 पर है ना मिथाइल ग्रुप हाँ, तो क्या लिखेंगे हम, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2OL, ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2OL, समझ में आया। अब इसमें देखो कि OH ग्रुप इधर से फर्स्ट कार्बन पर आ रहा है, इधर से हम लोग को काउंट करना पड़ेगा। दूसरा और भी है कि जितना भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो इसी एंड के तरफ ही नज़दीक है, इधर से तो दूर है, इसलिए काउंटिंग हमको इधर से ही करना है, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 और ये 5, यानी पेंटेनॉल होगा ये है ना। तो सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है सेकंड कार्बन पर और थर्ड कार्बन पर 1 मिथाइल, टोटल कितना मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल हो गया। अब सबका पोजीशन मेंशन करना है, 2 जो है सेकंड पर है और 1 जो है थर्ड पर है, तो क्या लिखेंगे, 2 2 3, 2 2 3 ट्राई मिथाइल, ठीक है। कितना है ये पेंटेन, तो पेंटेन का ई को हटा देंगे और ओएल से रिप्लेस करेंगे और फर्स्ट कार्बन पर OH है, तो हम 1OL लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, अगर 1OL लिखेंगे तो भी करेक्ट होगा और सिंपली OL लिख देंगे तो भी, सिंपली OL का मतलब हुआ तो वो फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप है, ठीक है, आया बात समझ में, क्लियर। अब देखो इसमें दो दो OH ग्रुप है, दो दो अल्कोहलिक ग्रुप है ना, हाँ तो डाई हो जाएगा, OL डाई OL हो जाएगा, ये क्या है डाई ओएल। अच्छा इसमें हम लोग डिस्कस नहीं किए, इससे फंक्शनल ग्रुप कितना, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है कि OH ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, ये OH ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है ना, और इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अब इसमें देखो अगर यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 1,4 डायोल होगा, कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, साइक्लिक रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन हुआ, साइक्लिक है ना, क्लोज चेन है तो साइक्लो लगेगा, 6 कार्बन का चेन है तो हेक्सेन होगा तो साइक्लोहेक्सेन। और भी एक चीज़ में देख सकते हो कि अगर हम यहाँ से काटेंगे तो एकदम सिमेट्रिकल होगा, तो सिमेट्रिकल अल्कोहल है, काटेंगे तो दोनों अलग दिखेगा ना, इसे काट देंगे तो सिमेट्रिकल दिखेगा। दूसरा चीज़ है कि हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज कहीं पढ़ाए होंगे 11 में, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी है ना, सेम ग्रुप एक ही साइड है, सेम ग्रुप एक ही साइड है, तो OH के सामने OH, H के सामने H है ना, ऐसे अगर करते हैं इसके इस साइड ही दोनों OH है, इसके इस साइड है, इसको बोलते हैं सीस, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, सीस साइक्लो हेक्सेन, हेक्सेन का ई हटा देंगे, 1,4 डाई ओ एल, ठीक है, 1,4 डाई ओ एल। अगर इस कार्बन को 1 मानेंगे ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ठीक है, समझ में आया, क्लियर।
अब इसको देखो, इसमें दो OH है, इसमें तीन OH है, तो ट्रायोल हो जाएगा, ये डायोल हो जाएगा, डायोल होगा ना। इसमें दो ही कार्बन है ना, वन, ठीक है, कितना कार्बन है, दो कार्बन है, तो इथेन होगा। तो इसका क्या होगा IUPAC नेम, इथेन वन टू डायोल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, वन टू थ्री है ना, वन टू थ्री, तीन ही कार्बन है, तो हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन वन और थ्री पर है ना, वन थ्री है ना, वन टू थ्री तीनों पर, वन टू थ्री ट्राई, ठीक है, आया सुन में है। और इसमें जो है इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल, ये कॉमन नेम है, ये याद रखो, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल, यही है तुम्हारा वैसलीन, ठंडा के मौसम में होंठ पे जो रगड़ते रहते हैं, हैं, समझ गए। और ये हुआ ग्लिसरॉल, ठीक है, यही दोनों होंठ पे हम लोग रगड़ते हैं ठंडा के मौसम में, फटने लगता है तो रगड़ते हैं ना, हैं, जिसका चेहरा सूखता है चेहरा पर भी लगाता है, हैं, मॉइस्चराइजर क्रीम में इसको मिलाया जाता है ना, ताकि वेट लुक मिले, हैं, ड्राई स्किन पर, आया बस समझ में, हैं, ये कॉमन नेम है, याद रखना है, क्लियर। ये क्या है, इसका कॉमन नेम है फिनॉल, ठीक है, IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोक्सी बेंजीन होगा ना, हाइड्रोक्सी बेंजीन, और भी डिटेल में जाओगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी एक दो तीन, तीन डबल बॉन्ड है, हाँ हाँ, हेक्सेन 1 3 5 ट्राइएन हाइड्रोक्सी हेक्सेन, या हेक्स लिखो, एन ही नहीं लिखा गया ना इसमें, हेक्सेन हेक्स 1 3 5 ट्राइएन, ये दोनों IUPAC फिनॉल का, लेकिन हम ये दोनों से किसी का यूज नहीं, ये दोनों लिटरली अभी के समय में ये दोनों नाम का हम लोग यूज नहीं करते हैं, फिनॉल को ही हम लोग अब IUPAC में इनकॉर्पोरेट कर दिया है, समझ में आ गया, IUPAC ये दोनों, लेकिन आज के समय में हम लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं फिनॉल को एज ए IUPAC, है नहीं IUPAC, लेकिन उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया, ठीक है, ताकि आगे सिंप्लिसिटी हो ये सब के मामले, ये सब में देखो ये फिनॉल है, तो अगर फिनॉलिक ग्रुप है तो फिनॉलिक सब्सटेंस के रूप में ही उसको लिखेंगे, इसको हम क्लोरो नहीं लिखेंगे, इसको हम नाइट्रो प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, बल्कि ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से तो हम उसको फिनॉल मानेंगे, इतना याद रखना है, बाकी जो है उसको प्रेफरेंस नहीं, बाकी चीज़ों को प्रेफरेंस नहीं देंगे, एक सिर्फ आएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप तभी इससे प्रेफरेंस देंगे, बाकी किसी को प्रेफर नहीं करेंगे इसके कंपैरिजन में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को छोड़ करके किसी को हम प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है, जब COH ग्रुप लग जाएगा तब तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, तब ये फिनॉल नहीं रहेगा, उसको छोड़ करके अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है साथ में और कोई भी ग्रुप है तो प्रेफरेंस हम OH को देंगे, यानी इसको हम फिनॉल मानकर चलेंगे, तो ये दोनों डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल है, ये डेरिवेटिव ऑफ क्लोरो नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रो नहीं है, ये दोनों डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल है, याद रखना है, फिनॉल का अगर ग्रुप दिख जाए तो उसको हम फिनॉल ही मानेंगे, दूसरा का कोई हम लोग नहीं मानेंगे, समझ में आ गया ना, इसलिए ये दोनों का दोनों भी फिनॉल है, ठीक है, वो दोनों भी फिनॉल है, याद रखना है, बेंजीन रिंग में OH ग्रुप जुड़ा है तो फिनॉल है, उसके अलावा जितना भी है ना वो सब सब्सिडियरी है, समझ गया ना, क्लियर,
सिर्फ और सिर्फ जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाएगा तब उस समय इसको हम प्रीफर नहीं करेंगे, तब हम COH ग्रुप को प्रीफर करेंगे, उस समय इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में लेंगे। आ गया ना समझ में? बाकी किसी भी केस में कोई भी ग्रुप अटैच हो साथ में सेकेंड ग्रुप, तो हम प्रीफर नहीं करेंगे उसको, ठीक है। इसलिए ये दोनों जो दिए हुए एग्जाम्पल, ये दोनों भी फिनॉल ही है, ठीक है। तो फिनॉल है तब तो हम इसी को मानेंगे फर्स्ट, अब तो यही ना कार्बन नंबर वन होगा, ये टू होगा, ये थ्री होगा, इधर से वन टू थ्री है, इधर से वन टू थ्री फोर फाइव है, इधर से नज़दीक है ना, इसलिए इधर से लिखेंगे। इसका नाम हुआ थ्री क्लोरो फिनॉल। आ गया समझ में? थ्री क्लोरो फिनॉल। अब यहाँ तो इधर से भी गिनो के बराबर बात है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पर क्या हो गया टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल हुआ ये सर, समझ में आ गया ना। इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड, या ना तो ये भी बहुत यूज होता है, ये नाम यूज बहुत होता है पिक्रिक एसिड। ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड, और ये नाम बहुत यूज होता है, इसलिए याद रहना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? इसमें भी देखो सब जगह OH ग्रुप है, तो सबके सब फिनॉल है, सबके सब फिनॉल है, ठीक है ना। OH ग्रुप रहेगा बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, तो हम उसको फिनॉल ही मानेंगे, दूसरा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये सारा फिनॉल है, ये हुआ टू मिथाइल फिनॉल, ये हुआ थ्री मिथाइल फिनॉल, फोर मिथाइल फिनॉल, वन टू थ्री फोर फाइव टू सिक्स डाई मिथाइल फिनॉल, वन ये हो गया हमारा टू मिथाइल फिनॉल, ठीक है। ये हो जाएगा थ्री मिथाइल फिनॉल, ये हो गया फोर मिथाइल फिनॉल, और ये हो गया टू सिक्स डाई मिथाइल फिनॉल, यही नाम हुआ सबका, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये नाम जितने IUPAC नेम है, IUPAC नेम में इसके लिए एक स्पेशल नाम अरेंज किया गया है ना। मिथाइल फिनॉल को हम लोग बोलते हैं क्रेसॉल, मिथाइल फिनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेसॉल, ठीक है। तो जब हम ऑर्थो पैरा का यूज करेंगे ना, तो हम ये क्या है ऑर्थो, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्रेसॉल, ठीक है, सच है, ठीक है। स्पेशल नेम दिया गया, मिथाइल फिनॉल को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्रेसॉल, ठीक है। तो ये हुआ ऑर्थो हमारा, ये ऑर्थो मेटा, ये मेटा हो गया, ये हो गया, ये ऑर्थो मेटा पैरा के साथ ये वर्ड यूज होगा क्रेसॉल, जब ऑर्थो मेटा पैरा यूज करेंगे ना सब्सक्रिप्ट तभी यूज होगा क्रेसॉल वर्ड, नहीं तो क्रेसॉल वर्ड यूज। और IUPAC में उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, यही ज़्यादा यूज होता है, इसको छोटा है ना, ठीक है। ये हो जाएगा मेटा क्रेसॉल, ठीक है, ये हो गया मेटा क्रेसॉल, और ये हो गया हमारा पैरा क्रेसॉल, ठीक है। अब एक से ज़्यादा मिथाइल ग्रुप है उसके लिए क्रेसॉल वर्ड यूज नहीं होगा, इसलिए इसका नाम यही रहेगा, तो सिर्फ जाए मिथाइल फिनॉल ही रहेगा, उसके में क्रेसॉल वर्ड यूज नहीं होगा, सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप रहेगा फिनॉल के साथ, तभी हम क्रेसॉल वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया ऑर्थो क्रेसॉल, ये हो गया मेटा क्रेसॉल, ये हो गया पैरा क्रेसॉल, ये ज़्यादा पॉपुलर है इससे, समझे ना, ये नाम आना चाहिए, ठीक है। आया बात समझ में? क्लियर। यानी अब इसको हम लोग IUPAC नेम के तरह ही ट्रीट करने लगे, जबकि हाई ये कॉमन, लेकिन IUPAC नेम के तरह ही ट्रीट करते हैं इसको, इसी को ज़्यादा यूज करते हैं।
तो फिर लिखना आसान। ठीक है, आया समझ में? अब ये सारे का जो है नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो नाम लिखेंगे तो सबका नाम, यूपीएससी नाम लिखना तो बहुत आसान है, ठीक है। इसका क्या लिखा है, 1 2 वन हुआ, टू हुआ, 1 2 die, 1 2 die, 1 2 ने ऐसे नहीं लिखा है। अब ये बेंजीन रिंग पहले देंगे ना, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन में ई हटा देंगे, बेंजीन का ई हटा देंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा हुआ है ग्रुप है तो फिनॉल को लिख नहीं सकते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया बेंजीन 1 2 die OL, ठीक है, बेंजीन 1 2 die OL, ठीक है, हाँ? इसका हो जाएगा बेंजीन 1 3 die OL, ठीक है, इसका हो जाएगा बेंजीन 1 2 3 4, है ना, बेंजीन ZENE नहीं रहेगा, बेंजीन 1 4 die OL, ये हो जाएगा बेंजीन 1 2 3 try OL, ये हो जाएगा, इधर से ये दोनों नजदीक है ना, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा बेंजीन। यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे, क्योंकि इधर से इसे काउंटिंग करेंगे तो ये दूर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे तब ना सब नज़दीक रहेगा, 4 5 6, ये हो जाएगा बेंजीन 1 2 3 5, क्या हो जाएगा टेट्रा OL, ठीक है, क्या हो जाएगा टेट्रा OL, ये कुछ ज्यादा ही पड़ गया, इतना स्टेबल होगा इतना स्टेबल नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, नाम तो सही लिखा गया लेकिन ये कंपाउंड जो है स्टेबल नहीं, समझ गया, ये कंपाउंड अनस्टेबल हो गया। कंपाउंड ऐसे अब ठीक रहेगा, सब बराबर बराबर दूरी पर आ गया, ठीक है, अब हो जाएगा ये 1 2 3 5 6, हो जाएगा बेंजीन 1 3 5 die OL, ठीक है, तो ये हो गया IUPAC नेम, और इसका हो जाएगा बेंजीन 1 1 2 3 4, 1 2 4 try OL, ठीक है। अब ये जितना भी है ये सब IUPAC नेम लिखे अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन सबको स्पेशल नेम दे दिया गया है, मतलब जो कॉमन नेम है ना उसी को IUPAC नेम के रूप में अब यूज करने लगे हैं सब, तो सबका नाम याद रखना होगा, सबका नाम अलग अलग है, याद रखोगे। इसका नाम है कैटेकॉर, ठीक है, कैटेकॉर CATECHOR, ठीक है, बेंजीन 1 2 die OL का नाम है कैटेकॉल, ठीक है, और 1 3 बेंजीन डायल का नाम है रिसोर्सिनॉल, यही नाम ज्यादा तुमको मिले, ठीक है, इसलिए याद करना पड़ जाएगा, ठीक है,
और 1,4 बेंजीन डायोल का नाम है क्विनोल, इसका नाम है क्विनोल, ठीक है, मलेरिया का दवा है, समझा है, हाइड्रोक्विनोन, डॉक्टर सब बोलता है ना हाइड्रोक्विनोन दे दो, ठीक है, ये नाम है इसका, ये याद रखोगे, हाइड्रोक्विनोन, ये स्पेशल नेम है, ये सबको याद रखोगे, 1,2,3 बेंजीन ट्रायोल, 1,2,3 बेंजीन ट्रायोल, इसका नाम है पायरोगेलोल, इसका नाम है पायरोगेलोल, ठीक है, यही सब नाम ज़्यादा यूज होता है, हाइड्रोक्सीक्विनोल, 1,2,4 इसको भी हाइड्रोक्सीक्विनोल ही बोलते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं हाइड्रोक्विनोल, ये हाइड्रोक्सीक्विनोल, याद रखना ये है हाइड्रोक्विनोल, ये क्या है हाइड्रोक्विनोल, ये हो गया हाइड्रोक्सीक्विनोल, वो है नोन, ये है नॉल, समझ गया है? इसका नाम है फ्लोरोग्लुसिनॉल, इसका नाम है फ्लोरोग्लुसिनॉल, समझ गया, ये सब कॉमन नाम है फ्लोरोग्लुसिनॉल, तो ये सब जो है ज़्यादा मतलब IUPAC नेम के जगह पर ये जो कॉमन नेम बताए ना अभी यही ज़्यादा यूज होता है ये सब कंपाउंड का, ये स्पेशल कंपाउंड हो गया, इसको रट्टा मार के रखना, लिखोगे 10 बार 20 बार याद हो जाएगा, डेली प्रैक्टिस करोगे, कॉपी में ये लिखे उसका नाम लिखे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब का IUPAC नेम लिखा हुआ खम्भे मिलेगा ज़्यादातर, यही ये तो बहुत ज़्यादा यूज होता है टेक्निक वाला रिसर्च, समझ गया ना, तो इसको याद रख लोगे सबको, ठीक है, क्लियर।